संसद की कैंटीन की बात करते हैं। संसद की कैंटीन के खाने में मकड़ी मिली है। लोकसभा में एक अधिकारी के मुताबिक उन्होंने संसद में खाना ऑर्डर किया था जिसमें मकड़ी मिली, इस वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई। संसद की कैंटीन के खाने में मिली मकड़ी। मकड़ी वाले खाने से बिगड़ी अधिकारी की तबीयत। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन देश की संसद की कैंटीन में कुछ ऐसा ही हुआ। इस तस्वीर को देखिए, सफेद रंग की प्लेट है। प्लेट में पोंगल यानी दक्षिण भारत की चावल से बनी डिश है। ध्यान से देखेंगे तो चम्मच के ऊपर दिखेगी एक मकड़ी। आपके खाने की प्लेट में इतनी बड़ी मकड़ी दिख जाए तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन ये मकड़ी निकली है संसद की कैंटीन के खाने में। ये घटना मंगलवार दोपहर की है जब संसद की कैंटीन में लोकसभा के रिपोर्टिंग ब्रांच के क्लास 1 अधिकारी श्रीनिवासन पहुंचे। श्रीनिवासन ने खाने में पोंगल और दही चावल ऑर्डर किए और जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया उनकी प्लेट में दिखाई दी बड़ी सी मकड़ी और उनके होश उड़ गए। लोकसभा के रिपोर्टिंग ब्रांच के अधिकारी श्रीनिवासन ने बताया कि उन्होंने दोपहर करीब 1 बजे खाना ऑर्डर किया था। खाना आने पर उन्होंने 2 निवाले ही खाए होंगे कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उल्टियां आने लगी। तभी उनकी नजर प्लेट में मौजूद मकड़ी पर पड़ी तो वो खाना छोड़कर खड़े हो गए और कैंटीन स्टाफ से शिकायत की। संसद की कैंटीन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खाना खा चुके हैं। 2 साल पुरानी ये तस्वीरें देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के साथ कैंटीन में खाना खाया था और फिर खाने का 29 रुपए का बिल भी चुकाया था। आप सोचिए कि जिस कैंटीन में पीएम मोदी खाना खाते रहे हैं उसके खाने में ऐसी मकड़ी मिली है। जिस अधिकारी श्रीनिवासन की प्लेट में मकड़ी मिली है उनका कहना है कि कुछ साल पहले भी उनकी प्लेट से कीड़ा मिला था। इस बार भी उन्होंने फूड कमेटी से शिकायत की है, लेकिन एक्शन के बदले उन्हें मिला है सिर्फ आश्वासन। संसद की कैंटीन सस्ते दामों पर अच्छा खाना परोसने के लिए जानी जाती है। कैंटीन के खाने पर सब्सिडी मिलने से दाम कम रहते हैं, लेकिन अब इस घटना ने कैंटीन की साख पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।